Today, chapter number 3, projection of a solid in problem first in so in part. Problem number first, a square pyramid having 40 mm base side and 60 mm long. Base having its triangular face on the ground and the vertical plane containing axis and angle of 45 degree with draw the its projection of solid. Take the apex nearer to VP. So first of all, square pyramid को draw करना है. उसकी base side कितनी है? 40 mm. And उसकी length कितनी है? 60 mm. इसमें बात क्या करना है, एक चीज चेक करना है कि वो फर्स्ट एंगल है या थर्ड एंगल में है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोई कंडीशन बोला नहीं है कि भाई कि उसमें इतना बोला है कि भाई उसकी ट्राइंगुलर फेस ऑन द ग्राउंड. सो दिस इज द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड टू यूज फॉर द सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के लिए स्टार्टिंग के लिए हमको एक एक्सिस लाइन बनानी पड़ेगी, एक पॉइंट x एंड y. फर्स्ट एंगल है प्रोजेक्शन के हिसाब से एक्स लाइन के ऊपर वर्टिकल प्लेन एंड एक्स लाइन के नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन. तो एक्स लाइन के नीचे आपको वर्टिकल प्लेन और एक्स लाइन के नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन. आफ्टर आपको क्या करना है कि स्क्वायर पिरामिड है तो स्क्वायर पिरामिड होगी तो उसकी कितनी साइड होगी? फोर साइड. फोर साइड है, उसकी साइड कितना लेना है? 40 mm. अभी यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन नहीं बोला कि भाई उसकी साइड फेस इंक्लाइन टू 45 डिग्री, ऑल साइड ऑफ इंक्लाइन टू 45 डिग्री टू वीपी, बराबर. तो यहाँ पर आपको सिंपल खाली एक स्क्वायर बनाना है और उसकी साइड कितनी लेनी है आपको? 40 mm. अभी आपको पता है कि भाई हॉरिजॉन्टल प्लेन मींस उसमें आपको उसका पिरामिड का टॉप व्यू मिलेगा और वर्टिकल प्लेन है उसमें आपको उसका फ्रंट व्यू मिलेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूंगा, अपना 40 by 40 का मैं स्क्वायर बनाऊंगा, उसके बाद अंदर मैं उसका पिरामिड बनाऊंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स लाइन है दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 2 या 3 सेंटीमीटर जगह छोड़ो. तो मैं एक पैरा लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली लाइन लाइन दिख रही है आपको. उसके बाद क्या करना है, यहाँ से मैं 1 सेंटीमीटर जगह छोड़ रहा हूँ और उसका 1 सेंटीमीटर छोड़ने के बाद मैं 40 mm 4 सेंटीमीटर में डार्क कर रहा हूँ, बराबर. उसके बाद आपको पता है कि मुझे स्क्वायर बनाना है, बराबर. स्क्वायर बनाने के लिए आपको 4 by 4 की पूरा एक स्क्वायर बनाने के लिए, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपका स्क्वायर मिल गया. उसके बाद क्या करना है आपको, तो जितने भी पॉइंट है फोर साइड के पॉइंट नंबर दे दो, पॉइंट नंबर ए बी सी एंड डी, कोई बी सी डी. उसके बाद क्या करना है, अगर पिरामिड जब भी होगी उसकी ट्राइंगल फेस होगी तो उसके लिए क्या करना है आपको, बी और डी को ज्वाइन करो और ए और सी को ज्वाइन करो, तो आपको उसका क्या मिलेगा, डायगोनल. डायगोनल मिलने के बाद आपका उसका ये डायगोनल मिलने के बाद आपको एपेक्स पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा. तो यहाँ पर आपको एपेक्स पॉइंट मिल गया. उसके बाद क्या करना है, उसकी प्रोजेक्शन लाइन ट्रांसफर करनी पड़ेगी. यहाँ पर दो प्रोजेक्शन लाइन आएगी, एक तो पॉइंट नंबर ए बी की एक प्रोजेक्शन लाइन एक्स लाइन पे एक्सटेंड करो और सी और डी की एक लाइन एक्सटेंड करो, पॉइंट सॉरी लाइन टू एक्सटेंड ऑफ डी और सी पॉइंट. आफ्टर क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है बिकॉज़ की एपेक्स पॉइंट है तो उसके भी पॉइंट आपको प्रोजेक्शन मतलब सेंटर ऑफ द एक्सिस को भी ट्रांसफर करना पड़ेगा. तो ये सेंटर लाइन हो गई. उसके बाद क्या करना है, आपको पता है उसका बेस कैसा होगा, डार्क दिखेगा एक्चुअली कैसा ड्रॉइंग होगा, तो आपको कुछ ऐसा ड्रॉइंग मिलेगा, तो आपको कुछ ऐसा फिर स्क्वायर पिरामिड मिलेगा. इसके बाद क्या करना है, पॉइंट नंबर ए बी में जगह बना दो और पॉइंट नंबर सी डी. उसके बाद क्या करना है, आपको हाइट बोला है, भाई हाइट कितनी है आपकी? 60 mm है. तो आपको क्या करना है, उसके बेस है उसके ऊपर जाओ, आप कितना जाना पड़ेगा आपको, 60 mm, और वहाँ पे पॉइंट नंबर जीरो लिखो और आप पॉइंट नंबर ओ और ए बी को ज्वाइन करो, पॉइंट नंबर सी डी है उसको ऑफिस से ज्वाइन करो.
बाकी की सेंटर ऑफ एक्सिस लाइन को आपको डार्क करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो साइड इज सी वो इमेज लाइन है। तो ये हो गया आपका फ्रंट व्यू ऑफ स्क्वायर पिरामिड। उसके बाद क्या करना आपको उसको ट्रायंगुलर फेस को ग्राउंड पे अलाइन करना, मतलब उसको क्या करना, जो कि एक ट्रायंगुलर फेस या एबी ले लो या सीबी ले लो उसको आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन पे थोड़ा जॉइंट कर ले, मतलब उसको संपर्क में ला लेना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको एक रेफरेंस गैप छोड़ना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 1 या 2 सेंटीमीटर। पॉइंट नंबर फर्स्ट कौन सा है, यहाँ पर पॉइंट नंबर फर्स्ट है सीडी। तो यहाँ पर उसको ध्यान रखो जब भी आप ड्राइंग करो रखो नियर में जो भी पॉइंट है उसको यूज करो, पॉइंट नंबर सीडी है उसको यहाँ पर गैप रखो। और पॉइंट नंबर सीडी के बाद क्या करना है आपको उसकी टोटल लेंथ लेनी है सीडी और ओ, उसका माप आपको राउंडर से लेना है। तो फिर वो जो माप लिया आपने सीडी और ओ का, तो पहले सेंटर सीडी पे रखो और राउंडर से ऊपर यहाँ पर एक्सिस लाइन को कट करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा पॉइंट नंबर जीरो। उसके बाद सीडी और जीरो को ज्वाइन कर दो डार्क लाइन। उसके बाद लेना है आपको पॉइंट नंबर एबी से सीडी का माप लेना, बेस लेंथ लेना है कितना लेंथ है 40 mm, तो उसको ले लो। उसके बाद क्या करना है वो जो बेस लिया 40 mm तो एक पॉइंट यहाँ पर सीडी पे रखो और आउटसाइड ऐसे अप्रोक्सीमेटली आर्क बनाना, उसको क्या करना है अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आर्क बनाना है। उसके बाद क्या करना है वही सेम प्रोसीजर जीरो से एबी का माप ले लो और वो जो माप लिया उसको कहाँ पे रखोगे पहले जीरो पे रखना है और एबी वाली लाइन को ऐसे कट करना है। तो यहाँ से कर रखोगे सेंटर यहाँ से रखिए तो फिर ऐसे कट जाएगा बराबर, तो यहाँ पर आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा फिर उसको ज्वाइन करो। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर मिलेगा आपको एबी बराबर। उसके बाद आपको इसकी सेंटर लाइन एक्सिस ऑफ सेंटर लाइन वो आपको का हाफ डिस्टेंस होगा कितना होगा 40 हाफ 20, यहाँ पर सीडी पे रखो और सेंटर लाइन में कट करूंगा उसकी सेंटर लाइन में। उसके बाद ये आपका आ गया जो कंडीशन बोली है कि ट्रायंगुलर फेस होगा ग्राउंड वो हो गई ग्राउंड। उसके बाद क्या करना उसको आपको टॉप व्यू में से दिखना पड़ेगा, टॉप व्यू में से जब भी आप इसको पिरामिड को देखोगे तो आपको उसकी आपको उसकी सीडी और ओ वाली लाइन आपको दिखेगी नहीं क्योंकि वो सबसे नीचे चली गई है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको उसका टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए उसकी प्रोजेक्शन लाइन कैलकुलेटर ट्रांसफर करो, तो सीडी की एक प्रोजेक्शन लाइन आएगी और एबी की प्रोजेक्शन लाइन आएगी और जीरो की प्रोजेक्शन आएगी, तो तीन लाइन मेन है। सेंटर लाइन की आप बाहर भी ले सकते हैं जो अभी आपके रिक्वायरमेंट है वो भी लेना है, पॉइंट नंबर एबी एडी और पॉइंट नंबर बीसी उसकी प्रोजेक्शन लाइन टॉप व्यू के लिए ट्रांसफर करो बाद में। आपको एक्स्ट्रा कोई लाइन रखनी नहीं है नीचे। उसके बाद क्या करना है आपको पॉइंट नंबर मैच करने पड़ेंगे, तो पॉइंट नंबर ए और यहाँ पर देखो पॉइंट नंबर ए कहाँ पर है सेकंड लाइन पे, पॉइंट नंबर ए और बे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जहाँ पे मैच हो रही हो तो वहाँ पे पॉइंट नंबर लिखना है आपको ए। उसके बाद पॉइंट नंबर बी सबसे नीचे है बेस पे और यहाँ पे है सेकंड लाइन पे तो यहाँ पर आएगा पॉइंट नंबर बी। फिर पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी है फर्स्ट लाइन पे और बेस पे और पॉइंट नंबर डी। उसके बाद क्या करना आपको सेंटर लाइन निकालनी है, सेंटर लाइन की आपको एक एक्सिस लाइन किसमें पर लाइन है तो सेंटर लाइन एक्सिस की कहां पे आएगी मिडिल में, यहां पे आपका पॉइंट मिलेगा जीरो। उसके बाद क्या करना है आपको पता है कि जब आप ऊपर से दिख रहे हो कि एडी वाली फेस आपको दिखेगी पर सीडी जो वाली है फेस वो सीडी वाली फेस आपको जल्दी दिखेगी नहीं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको सीडी की लाइन किसे आएगी डॉटेड लाइन है उसकी एजिस लाइन, मैं ऊपर से आप देख रहा हूँ तो उसको आपको बेस दिखेगा होगा एबीसीडी और नीचे वाली जो साइड एजेस की जो लाइन है सी और डी वो लाइन आपको दिखेगी नहीं, इसके लिए उसको डॉटेड करना पड़ेगा मतलब मिडल लाइन निकालना है। यहाँ पर पहले आपको बेस दिख रहा है तो बेस डार्क करो, उसके बाद क्या करना है आपके ट्राइंगल ऑफ फेस है तो उसको पॉइंट नंबर जीरो के साथ ज्वाइन करो, ए बी की फेस दिख रही है उसको ज्वाइन कर दो। उसके बाद सी और डी की लाइन नहीं दिख रही उसकी किसी एरिया आपको मैंने बोला है मिडल लाइन है ऊपर से आप जब देख रहे हो उसकी आपके एजिस लाइन नहीं दिखेगी तो ऐसा आपका आ जाएगा टॉप है। उसके बाद क्या करना है आपको वही एंगल एक्सिस ऑफ द एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो अभी क्या करना है प्रकाश ने में तो जो पिरामिड का आंसर आया टॉप व्यू उसको आपको एक्सिस पे 45 डिग्री पे रखना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ से जीरो से अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस छोड़ो, तो यहाँ पे मैं पॉइंट नंबर एक सिलेक्ट कर रहा हूँ और एक सेंटर लाइन है 45 डिग्री पे ड्रॉ कर रहा हूँ।
तो यहां पर मैंने एप्रोक्सीमेट डिस्टेंस शो दिया 7-8 9 सेंटीमीटर. उसके बाद 45 डिग्री पे एक्सिस लाइन ड्रॉ कर दिए. फिर यहां पर आपने मेजरमेंट के लिए बोला है 45 डिग्री यहां पर लेना है. इसके लिए हमें क्या करना है, आपको यही जो पिरामिड है उसको यहां पर ट्रांसफर करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा पॉइंट है आपका, 0 पॉइंट. 0 पॉइंट यहां से एप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर छोड़ो. फर्स्ट पॉइंट एपेक्स पॉइंट 0. उसके बाद क्या करना है आपको, टोटल लेंथ लेनी है राउंडर से, यहां से यहां तक बराबर. तो यहां से इतना डिस्टेंस ले लो राउंडर से और फर्स्ट पॉइंट कहां पे आएगा, राउंडर ऊपर रहता है और यहां पर नीचे कट करना. तो यहां पर एक पैरा लाइन मिल जाएगी आपको. जो भी पैरा लाइन मिली आपको वही पैरा लाइन यूज करना है. उसके बाद 0 से या सेकंड नंबर वाली लाइन, ये वाली लाइन आपको लेना है. इतना डिस्टेंस लिया तो वही सेम प्रोसीजर यहां पर रखो और यहां पर दूसरी पैरा लाइन आएगी. अब ये पैरा लाइन का मैंने आपको पहले पॉइंट मिलेगा. फिर क्या करना है आपको, राइट एंगल रखना है. ऐसे आप राइट एंगल रखोगे तो उसकी आप पैरा लाइन बना सकते हो. यहां पर भी नीचे रखोगे तो पैरा लाइन बन जाएगी परपेंडिकुलर को. यहां से जो एक्सिस लाइन उसको परपेंडिकुलर लाइन मिल जाएगी. यहां पर भी एक्सिस लाइन परपेंडिकुलर. उसके बाद क्या करना है आपको, यहां पर इतना हाफ डिस्टेंस लेना है. इसका हाफ डिस्टेंस मतलब कितना होगा, यहां पर 40 है. इसका हाफ डिस्टेंस कितना आएगा, 20. तो यहां पर मैं 20 एमएम राउंडर से माप ले लूंगा और दोनों लाइन पे कट करूंगा. एक यहां पर सेंटर मैंने रखा तो सेंटर से एक ऊपर कट करूंगा और एक नीचे कट करूंगा. सेम यहां पर सेंटर पे रखो, ऊपर कट करो और नीचे कट करो. आपको उसका बेस मिल जाएगा. बस यहां पर मैं बेस मिल गया तो मैं उसको डार्क कर दूंगा. उसके बाद क्या करना है आपको, एजेस पॉइंट जॉइन. पॉइंट नंबर यहां पर जैसे वही सेम पॉइंट यहां पर ट्रांसफर करना है. ए पे कौन सा है, सी, सी और बी. उसके बाद क्या करना है आपको, पॉइंट नंबर 0 से मैच करना है. वही सेम प्रोसीजर यहां पर लानी है. तो यहां पर मैं जॉइन कर रहा हूं तो पहले ए और बी डार्क दिख रहे हैं आपको. पे कौन सा पॉइंट है, डी और सी पॉइंट को डॉटेड, इसको जॉइन करो. तो ये है आपका इंक्लाइन टू वीपी, इंक्लाइन टू वीपी एट 45 डिग्री. उसके बाद क्या करना है आपको, उसका ट्रू शेप लाना है. मतलब इसको दो स्टेप में, स्टीप टू इंक्लिनेशन आफ्टर वर्टिकल प्लेन टू इंक्लिनेशन, और उसका आंसर आपको मिलेगा यहां पर. इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले तो प्रोजेक्शन लाइन ट्रांसफर करना है. 1 2 3 4 पॉइंट और ये 5, टोटल 5 लाइन आपको ऊपर ट्रांसफर करनी है पैरेलल. तो यहां पर मैंने 5 लाइन मैंने ट्रांसफर कर दिए. तो आपको पहले व्हाइट चॉक इसलिए यूज कर रहा हूं कि जो राइट लाइन की कटिंग है. अभी यहां पर अभी पॉइंट लाइन ट्रांसफर बनेगी तो सीडी की पॉइंट लाइन आएगी और ए वी की आएगी. और यहां पर जी ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंट ग्राउंड पे है. यहां पर भी एक लाइन ग्राउंड पे, लाइन पे इसलिए देखिए उसकी लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो एक्सिस लाइन पे. पॉइंट नंबर ए की लाइन मुझे ट्रांसफर करनी है. तो पॉइंट नंबर एबी की लाइन यहां पर ट्रांसफर हो गई है. मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा जो भी लाइन है उसको निकाल देना है. उसके बाद क्या करना है आपको, पॉइंट मैच करना है. तो साइड व्यू यूज करो, टॉप व्यू यूज करो. यहां पर ए यहां पर एकदम टॉप पे है और यहां पर ए यहां पर है. तो उसकी लाइन देखो यहां पर आएगी और ये लाइन यहां पर है. तो यहां पे मैच होगा पॉइंट नंबर ए. उसके बाद पॉइंट नंबर बी, बी भी वही लाइन पे है सेम. ए और बी, ए और बी सेम लाइन पे है. यहां पर देखो बी यहां पर फोर्थ लाइन पे है. यहां पर पॉइंट नंबर बी. उसके बाद सी डी वो बेस पर है. उसके बेस पर सी डी है तो उसको देखो यहां पर जा रही है पॉइंट नंबर डी. पहले डी आ रहा था, डी पर रख दो यहां पर. फिर कौन सा पॉइंट है, सी. तो सी ये थर्ड लाइन पे है, सी. उसके बाद क्या करना है, पॉइंट नंबर 0. पॉइंट नंबर 0 का है यहां पर बेस पर. उसके बाद क्या करना है, उसको आपको नीचे से देखना है. आप नीचे से जब भी देखोगे पॉइंट नंबर एडी लाइन नहीं दिख रही है बराबर. आपको बेस तो दिख रहा है पर पॉइंट नंबर एडी की जो एजेस लाइन है वो आपको दिखेगी नहीं. इसके लिए आपको पॉइंट नंबर ए डी, ए डी मतलब मींस के ए को
और डी ओ इसकी लाइन आपको डॉटेड है, आपको पूरा नीचे से बेस को डीप लाइन है, मतलब तो वो चीज आपको याद रखना पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पॉइंट का बेस दिख रहा है आपको ऊपर, ये मैंने जॉइन कर दिया बेस, उसके बाद मैंने बोला कि भाई बीसी की लाइन दिख रही है जिस लाइन क्योंकि वो सबसे आगे है वो बीसी की लाइन आपको डायरेक्टली दिख रही है, उसके बाद पॉइंट नंबर ए और डी इसकी लाइन डॉटेड है, यहां पर ए ई पॉइंट है वो ए एक्सिस लाइन पे है, इसके लिए आपको उसके अंदर ऑलरेडी उसके अंदर डार्क लाइन भी है और डॉटेड लाइन भी है क्योंकि वो एक्सिस इमेजिनरी लाइन दिख रही है सी की लाइन और एक एक्सिस लाइन है उसके लिए वो दिख रही है, पर पॉइंट नंबर ए जो है वो बिहाइंड साइड है वो आप डॉटेड लाइन निकाल सकते हैं, एक्सिस लाइन पे जो पॉइंट नंबर डी है वो ऑलरेडी एक डार्क लाइन पे है इसलिए वो हम डॉटेड लाइन दिखाएंगे तब भी वो डार्क लाइन ही दिखेगी। तो ये है आपका ड्रॉइंग प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पर आपको याद रखना है स्क्वायर जो स्क्वायर पिरामिड है उसको यहाँ पर याद रखना है, तो स्क्वायर पिरामिड पहले तो कॉपी बनाना है उसके बाद उसकी सोडियम साइड लेके उसके बाद उसकी हाइट, हाइट यहाँ पर दिखा देनी है भाई 6 mm ये हाइट आपकी 60 mm। उसके बाद क्या करना है उसको ग्राउंड फ्लोर ग्राउंड पे रखना है, एक्स वाई लाइन पे चला जाएगा वो पूरा, उसके बाद उसका टॉप व्यू ड्रॉ करना, टॉप व्यू ड्रॉ करने के बाद उसको 45 डिग्री पे यहाँ पर रखना है, उसके बाद उसका फाइनल आंसर लाना है जो उसके लिए आपको साइड व्यू और टॉप व्यू यूज करना पड़ेगा। थैंक यू।